हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में बीट रूट फेस पैक और बीट रूट फेस सीरम की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। जो बीट रूट फेस पैक है वो हमारी स्किन का कलर फेयर करेगा, हमारी स्किन को टाइट बनाएगा, जिससे स्किन पर आने वाले रिंकल्स और फाइन लाइन्स रिमूव होंगे और अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी दूर करेगा। वहीं दूसरी ओर जो फेस सीरम तैयार किया है हमने चुकंदर के जूस से, वो हमारी स्किन पर एक रोजी पिंक ग्लो देगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमने चुकंदर के जूस से अपना फेस पैक और अपना फेस सीरम तैयार किया है और इसे हमें कैसे अप्लाई करना है। अपना एंटी एजिंग बीटरूट फेस पैक तैयार करने के लिए यहाँ मैंने करीब 1 से 1.5 चम्मच चंदन पाउडर लिया है। आप चंदन पाउडर की जगह मुल्तानी मिट्टी या बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है चुकंदर का जूस, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। ये मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चुकंदर का जूस डालते रहेंगे और इसे के लम्ब्स को रिमूव करते हुए अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ये एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, हमें ये थोड़ा थोड़ा डालना है और फिर उसके लम्ब्स को रिमूव करते हुए इसे मिक्स करना है। चुकंदर में विटामिन सी पाया जाता है और चुकंदर एक एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है, जो स्किन से रिंकल्स को रिमूव करता है, स्किन को टाइट बनाता है और स्किन पर ग्लो लेकर आता है। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच दही मिक्स किया है। दही हमारे स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करके हमें अपना एक अच्छा सा फेस पैक बनाकर तैयार कर लेना है। लेकिन यहाँ मुझे ये थोड़ा सा अपना फेस पैक थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा चंदन पाउडर और मिक्स करूँगी, जिससे कि मुझे एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, वो हमारे फेस पर जब लगाएं तो वो नीचे बहे नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ये थिक करना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें चंदन पाउडर और मिक्स कर दिया और फिर से अच्छे से मिक्स करके हमारा एक स्मूथ सा फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब हम यहाँ अपना बीटरूट फेस ग्लो सीरम बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक साफ़ खाली बाउल लिया है, फिर उसमें मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ मैंने इसमें ग्लिसरीन मिक्स किया है। ग्लिसरीन मुझे इसमें 1/4 स्पून मिक्स करना है। ग्लिसरीन स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन पर जो रिंकल्स आती हैं उन्हें रिमूव करता है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है चुकंदर का जूस, क्योंकि हम यहाँ बीटरूट फेस ग्लो सीरम बना रहे हैं तो हमें इसमें चुकंदर का जूस मिक्स करना है। ये करीब मैंने यहाँ 1.5 से 2 चम्मच लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो अभी ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सब इंग्रेडिएंट, तो इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमें एक इस बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार कर लेनी है। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट स्टेज पर मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करूँगी। विटामिन ई का कैप्सूल हमारी स्किन को नरिश करेगा, स्किन से रिंकल्स को रिमूव करेगा। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप उसकी जगह 1/2 स्पून कोई भी ऑयल, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करके हमारा ये बीटरूट फेस ग्लो सीरम बनकर तैयार हो गया है। ये बीटरूट फेस ग्लो सीरम हमारे स्किन पर एक रोज़ी पिंक ग्लो देगा, हमारे स्किन पर एक गुलाबी निखार लेकर आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इस फेस ग्लो सीरम को 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी बनाएं तो इसे थोड़ा ही बनाएं, 1 हफ्ते का ही, और नेक्स्ट टाइम दूसरा तैयार करें। फिर मैं इसे अब एक स्मॉल कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में
स्टोर करूँगी। अब हमारा ये बीटरूट फेस ग्लो सीरम और बीटरूट फेस पैक दोनों तैयार हैं। अब मैं आपको इन्हें अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये हमने बीटरूट फेस पैक बनाकर तैयार किया था, इसे अब मैं आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये है हमारा एंटी एजिंग बीटरूट फेस पैक। ये स्किन को टाइट बनाता है और स्किन से जो फाइन लाइन्स रिंकल्स हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करेगा और स्किन पर एक गुलाबी। अब मेरा फेस पैक पूरी तरह से लग गया है। अब करीब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक, जब तक ये फेस पैक सूखेगा तब तक इसे सुखाना है और उसके बाद 20-25 मिनट के बाद अपने फेस पैक को धो देना है। तो मैं अब आपसे फेस पैक को धोने के बाद मिलती हूँ। मैं फेस धो चुकी हूँ और इस फेस पैक के यूज़ करने से स्किन का कलर फेयर होगा, स्किन टाइट बनेगी और स्किन पर एक गुलाबी निखार आएगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस को और स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनेगी। अब मैं आपको अपने फेस पर वो फेस ग्लो सीरम जो बनाया था उसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसका थोड़ा सा पोर्शन लें और इस तरीके से अपने फेस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे अप्लाई करें। और करीब 4 से 5 मिनट की इसमें मसाज कर लें अपने फेस पर, जिससे कि आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। इससे स्किन पर रोजी पिंक ग्लो आएगा अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं। तो ये था हमारा बीटरूट फेस पैक और बीटरूट फेस सीरम बनाने की रेमेडी और उसे यूज करने का तरीका। अगर आप फेस सीरम को 2 टाइम दिन में 2 बार मॉर्निंग और रात को सोने से पहले यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर इसका इफेक्ट दुगनी तेजी से पड़ेगा। एक बार इस फेस पैक और फेस सीरम को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना और उसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।